हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये। इसमें हम जनवरी से लेकर जून 2022 तक हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री इज़ होस्टिंग यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022? सो इसका करेक्ट आंसर पोर्चुगल है, जिसे हम पुर्तगाल भी कहते हैं। 27 जून 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक पोर्चुगल में यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और इसको होस्ट कर रहा है केनिया और पुर्तगाल, ये दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शंस में पोर्चुगल है, तो पोर्चुगल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व? सोशल मीडिया डे जो है ये 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। सो 30 जून इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022? सो इसका स्विट्ज़रलैंड करेक्ट आंसर है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उसमें टॉप पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, और तीसरे नंबर पर बेल्जियम है। Which country created a world record with one day international score of 498 runs in June 2022? So इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि इन्होंने वन डे इंटरनेशनल स्कोर इंटरनेशनल में 498 रन जो है मारे हैं जून 2022 में। सो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। Which two countries applied to join ब्रिक्स इन जून 2022? इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रिक्स, ब्रिक्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड बी फॉर हेयर बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स, एंड जून 2022 में ईरान और अर्जेंटीना इन दोनों ने अप्लाई किया है कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। सो ईरान एंड अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर है। विच टू कंट्रीज़ बिकेम न्यू मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ इन जून 2022? कॉमनवेल्थ में जो 54 नेशंस थे जिनमें पाकिस्तान भी जो है मेंबर है, लेकिन टोगो एंड गबोन ये अफ्रीकन दो कंट्रीज़ हैं, ये भी दो नए मेंबर बन गए हैं जून 2022 में। सो अब जो है कॉमनवेल्थ के 56 मेंबर्स बन गए हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस जो हैं वो होते हैं जो किसी ना किसी तरह ब्रिटेन के हिस्सा रहे हैं, सो उन्हें कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। इसमें 56 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। विच सिटी टॉप्ड लिवेबल सिटीज़ इंडेक्स 2022? सो इसको वियना ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है, बॉटम पर दमश्क है, और जो पाकिस्तान की कराची की जो रैंक है वो 168 है। टोटल 173 कंट्रीज़ थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, MSMEs डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? सो ये 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। MSMEs स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून? सो 26 जून इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। वेयर 50 माइग्रेंट्स फाउंड डेड इन अ ट्रक इन जून 2022? सो जून 2022 में करीब 50 लोग जो हैं एक ट्रक में मुर्दा पाए गए हैं। कहाँ? ये टेक्सस में, टेक्सस जो कि अमेरिका की एक रियासत है, और इन लोगों में ज़्यादातर का ताल्लुक मेक्सिको से था, और 27 जून 2022 को इन्हें एक ट्रक के अंदर मुर्दा पाया गया है। When is International Day of Tropic celebrated? So International Day of Tropic 29th of June, 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। United Nations की जनरल असम्बली जो है इसने डेजिग्नेट किया था 2016 में कि 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक ऑब्जर्व किया जाएगा। वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज़ सेलिब्रेटेड। सो वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है ये 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये इस मरतबा 2022 में 3rd सैटरडे 19 फरवरी को आया था, सो इस मरतबा 19 फरवरी 2022 को सेलिब्रेट किया गया।
इंटरनेशनल पोलर बियर डे जो है ये 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 27 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ये 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये जो है 2000 से लेकर इसको अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए गूगल पर testpoint.pk सर्च करें। हु वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ फ्रांस इन अप्रैल 2022। सो इमैनुअल मैक्रॉन जो हैं ये जीत गए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि 24 अप्रैल को हुए थे। इमैनुअल मैक्रॉन इसका करेक्ट आंसर है और ये फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं दो दहाइयों में जो दो मरतबा सदर बने हैं फ्रांस के। और हु क्लिंच्ड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन इन अप्रैल 2020। तो ये एक डील है और ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डील है जो एलन मस्क ने किया है। इसने ट्विटर ख़रीद लिया है $44 अरब में अप्रैल 2022 में और ये डील साइन हुआ था 25 अप्रैल को। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क जो हैं CEO हैं जो है स्पेस एक्स के, और इसके साथ साथ जो मैसेजेस होते हैं ट्विटर के उन्हें ट्वीट कहा जाता है। इसका जो लोगो है वो ब्लू बर्ड है और ट्विटर का आगाज़ 2006 में हुआ था। इसके फाउंडर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। इसका जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो पराग अग्रवाल है जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा बराक ओबामा जो कि अमेरिका के सदर रह चुके हैं उनको फॉलो किया जाता है। हु इज़ दी करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। सो ये जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सर्विंग रिपब्लिकन सेनेटर इन US हिस्ट्री ऑरन हैच पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। सो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रिपब्लिकन सेनेटर थे अमेरिका की तारीख को 23 अप्रैल 2022 को ऑरन हैच इनका नाम है इंतकाल कर गए हैं। 42 साल इन्होंने सर्व किया है 1977 से लेकर 2019 तक। सो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग ये सेनेटर थे। वैन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे जो है ये 23 अप्रैल को किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 का इसका थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। सो यही इसका थीम है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन टनाका वर्ल्ड सर्टिफाइड ओल्डेस्ट पर्सन पास्ड अवे ऑन। सो ये वर्ल्ड सर्टिफाइड ओल्डेस्ट पर्सन यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली औरत थी 19 अप्रैल 2022 को इंतकाल कर गई हैं। इनका ताल्लुक जापान से था। 1903 में पैदा हुई और 19 अप्रैल 2022 को इंतकाल कर गई। 19 अप्रैल को इंतकाल कर गई 119 बरस एज और 107 दिन इनकी एज था। अब जो है एट प्रेजेंट कौन है ओल्डेस्ट पर्सन इनके इंतकाल के बाद, तो एट प्रेजेंट जो है लुसाइल रैंडम है। लुसाइल रैंडम को सिस्टर एंद्रे भी कहा जाता है। ये जो है ओल्डेस्ट पर्सन है यानी कि सबसे ज़्यादा एज वाली खातून है दुनिया में और ये फरवरी 1904 में पैदा हुई। इनका ताल्लुक फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बम ब्लास्ट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 22, 2022 इन अफगानिस्तान। सो IS दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। ये शिया मास्क के अंदर कुंदूज सिटी में जो है इसको अटैक किया गया था और दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ये 4 अप्रैल को जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ दी विनर ऑफ ICC वुमेंस वर्ल्ड कप इन 2022। सो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और ये जो है मैच न्यूजीलैंड में खेला गया था। राचेल हेनेस हैज़ बीन नेम्ड द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामिनीज फॉर मार्च 2022। सो इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड होम्योपैथी जो है ये एक किस्म का नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है और ये 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि
होम्योपैथी को हेम्योल हैनमैन ने डिस्कवर किया था और वो जो है 10 अप्रैल 1755 को पैदा हुए, इसीलिए 10 अप्रैल को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। इन अप्रैल 2022 शेख सबा अल खालिद अल हमीद अल सबा रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो ये कुवैत के वज़ीर आज़म थे और इन्होंने 22 अप्रैल 2022 को रिज़ाइन कर दिया। 28 दिसंबर 2021 को ये वज़ीर आज़म बने और 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। UNGA सस्पेंडेड विच कंट्री फ्रॉम राइट्स काउंसिल इन अप्रैल 2022, सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। 7 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है इसने रशिया को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम राइट्स काउंसिल, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए हमारा YouTube चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल आप विज़िट कर सकते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे जो है ये 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मकसद जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर आर्ट्स और ये 1961 में इसको इनिशिएट किया गया था। 2022 का इसका थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दी हैप्पीएस्ट नेशन, सो दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुश लोग फिनलैंड में पाए जाते हैं जो कि यूरोप का एक कंट्री है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताएं। यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड विच डेट एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया, सो इसका करेक्ट आंसर 15 मार्च है। यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट कर दिया है कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस्लामोफोबिया का जो इशू है ये पहली मरतबा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सितंबर 2019 में इस इशू को रेज़ किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में। लेजेंड क्रिकेटर शेन वार्ने 4/3/2022 को इंतकाल कर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे और ये थाईलैंड में इंतकाल कर गए हैं 4/3/2022 को। FATF एडेड विच कंट्री ऑन ग्रे लिस्ट इन मार्च 2022, सो FATF का जो इजलास हुआ था मार्च 2022 में इसने UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी ऐड कर दिया था ग्रे लिस्ट में। विच प्लेयर वन टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 अकापुलो टाइटल भी जिसे कहते हैं, सो राफेल नडाल इसका करेक्ट आंसर है। राफेल नडाल का ताल्लुक स्पेन से है, स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है। स्पेन जो है एक यूरोप का कंट्री है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है UNAIDS की जानिब से और 2022 का इसका थीम है रिमूव लॉस दैट हार्म क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट इन मार्च 2022, सो ईरान इसका करेक्ट आंसर है। ईरान ने नूर 2 नामी जो है सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट को स्पेस में जो है अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किया था सक्सेसफुली। वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है ये 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, 4 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड ग्रुप, ये जो है ऑस्ट्रेलिया 2022 में इसको होस्ट करेगा। पहली मरतबा ये USA ने इसको होस्ट किया था 2019 में, दूसरी मरतबा 2020 में जापान ने, 2021 में ये वर्चुअली हुआ था और 2022 में ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा और 5th जो होगा वो 2023 में होगा, जिसका कंट्री जो है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा कौन इसको होस्ट करेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था 2013 में। 2022 का इसका थीम है बी काम बी वाइज एंड बी काइंड। इन मार्च 2022 जिब्रेल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो जिब्रेल वो बेग 36 साल की एज में चिली के 36वें सदर बने हैं 11/3/2022 को, सो चिले या जिसे हम चिली भी कहते हैं चाइल्ड भी कहते हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। हु क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन मार्च 13/2020 इन अ सिटी ऑफ इराक, सो इसका ईरान करेक्ट आंसर है। ईरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी 13 मार्च 2022 को एक सिटी है इराक का अरबिल जिसे कहते हैं उस पर अटैक किया गया था, सो ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इन मार्च 2022
अ डैश जेट क्रेज किलिंग अराउंड 132 पीपल। सो मार्च 2022 में चाइना का एक जेट था जो कि क्रैश कर गया, जिसकी वजह से करीब 132 लोगों की हलाकतें हुई। सो 21 मार्च 2022 को ये सानिया पेश आया था। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। कैटालिन नोवाक ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल बुदापेस्ट है, और ये जो है 2022 में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है। इन मार्च 2022 विच कंट्री पुट डेथ रिकॉर्ड 81 इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डे। सो इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब ने 12 मार्च 2022 को एक दिन में 81 लोगों का सर कलम कर दिया था। सो सऊदी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। सो 10 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट यूक्रेन। सो 24/2/2022 या 24 फरवरी 2022, जिस दिन इमरान खान ने विज़िट किया था रशिया को, उसी दिन रशिया ने जो है यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया था 24 फरवरी 2022 को। और इससे पहले यूक्रेन ने डे ऑफ यूनिटी भी सेलिब्रेट किया था 16 फरवरी 2022 को, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इसके ख़िलाफ़ जंग डिक्लेयर किया था। और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुटिन। विच कंट्री डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 50 ईयर्स। सो कैनेडा ने 50 साल के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज किया, क्योंकि यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर थे इन्होंने एहतजाज किया 14 फरवरी 2022 को। इन्होंने जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ के जस्टिन ट्रूडो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक वाल्टर स्टीमिनर इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ जर्मनी। ये 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के सदर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूक मैंटेगनर ये एक वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एचआईवी वायरस को डिस्कवर किया था। 8 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गए हैं, फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट 5 डिफरेंट ओलंपिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर इरीन वस्ट है। इरीन वस्ट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी जो है वो इस्तनबुल है। कंजेस्टेड कहते हैं यानी कि जहाँ तंग गलियाँ हों, तंग रास्ते हों, उसे कंजेस्टेड कहते हैं। सो इस्तनबुल जो कि टर्की का कैपिटल है उसे मोस्ट कंजेस्टेड सिटी का दर्जा दिया गया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर है 11 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है वर्ल्ड रेडियो डे जो है ये 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021। सो इस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे को मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री दिया गया है, और बॉटम पर अफगानिस्तान है। बिलव्ड बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर जो है 6 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गई हैं। नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। 92 बरस की एज में मुंबई में ये इंतकाल कर गई। सर्जियो मार्टिनेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर सेकंड टर्म। दूसरी मर्तबा इटली के जो हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं सर्जियो मार्टिनेला, और ये जो है 80 साल इनका एज है। और 2015 में पहली मर्तबा, 2022 में इनको दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इटली। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हिच इज़ द करेंसी ऑफ इटली, इटली की करेंसी क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में काइंडली बताएं। विच कंट्री विन द 2022 एएफसी वुमेन्स एशियन कप। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और ये 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक खेला गया था। हु इज़ द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। सो इसका करेक्ट आंसर राफेल नडाल है। राफेल नडाल जो है किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें कि राफेल नडाल बिलोंग्स टू विच कंट्री। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। वट इज़ दी थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022। सो क्लोज द केयर गैप इसका थीम है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है।
who has won the ICC Spirit of the Cricket Award 2022. So Daryl Mitchell इसका करेक्ट आंसर है, न्यूजीलैंड से ये ताल्लुक रखते हैं. नेम द थ्री कंट्रीज टॉप्ड करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021. सो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक इंडेक्स होता है. इसमें तीन कंट्रीज ने टॉप किया है, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ने. आपसे ये क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान की क्या रैंक है. ये हम पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं. जनवरी 2022 में इसको रिलीज़ किया गया था. विच कंट्री रैंक्स टॉप्ड इन ग्लोबल फायर इंडेक्स 2022. सो यूएसए ने इसको टॉप किया है और पाकिस्तान की जो रैंक है वो 9th है और दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना, यूएसए टॉप पर है. इन जनवरी 2022 जापान साइंड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान ने ये एक एग्रीमेंट साइन किया है. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI प्रोसिक्यूटर. सो जी चाइना ने एक प्रोसिक्यूटर, AI प्रोसिक्यूटर को इफ्तिताह किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ये मशीन है एक, जो लोगों को अगर कोई जुर्म करे तो उसे चार्ज करेगी ये मशीन. सिडनी पोइटर रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक था और जनवरी 2022 में 94 बरस की एज में इंतकाल कर गए. पूरी वीडियो देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर ज़रूर लें, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें आप ही का फ़ायदा है. हु हैज़ रिसेंटली वन 2022 मेलबोर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट. सो राफेल नदाल इसका करेक्ट आंसर है. राफेल नदाल बार बार न्यूज़ में आता है, इसने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं. सिर्फ 35 इनकी एज है लेकिन इनकी आप अचीवमेंट्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, कमाल के खिलाड़ी हैं ये. विच टू एशियन कंट्रीज हैव द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2022. सो जापान एंड सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है, इनके पास मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हैं दुनिया में. हु वन फीफा बेस्ट प्लेयर वोट इन जनवरी 2022. सो रॉबर्ट लेवनडॉव्स्की इसका करेक्ट आंसर है. ये फुटबॉलर हैं जो कि पोलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं. ज़ारा रुथरफोर्ड बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड. सो ये जो है बेल्जियम से ताल्लुक़ रखती हैं ज़ारा रुथरफोर्ड, 19 बरस की एज में फ्लाई कर गई हैं सोलो को अराउंड द वर्ल्ड. सो ये बेल्जियम से ताल्लुक़ रखती हैं. हु इज़ द आथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक. सो बिल गेट्स जो हैं इसके आथर हैं. इंटरनेशनल लेबर डे मजदूरों का जो आलमी दिन है ये 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. 2022 का इसका थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर. सो ये 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. 2021 का इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड और 2022 का इसका थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज. विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022. सो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर है. टोटल इसमें 180 कंट्रीज थे, नॉर्वे जो है फर्स्ट है, टॉप पर है, नॉर्थ कोरिया लास्ट पर है. यानी कि जो सहाफ़ी बरदरी होती हैं सबसे ज़्यादा इनको आज़ादी नॉर्वे में है और सबसे ज़्यादा इन पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नॉर्थ कोरिया में हैं. और आपसे ये क्वेश्चन है कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान की रैंक क्या है, वो आपने अगर हमारी वीडियो पाकिस्तान अफेयर्स की देखी है तो आप ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे. अपना टेस्ट ज़रूर लें. इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है ये 4 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है. यानी कि जो एहलकार होते हैं फायर फाइटर्स के, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है. इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक जो है ये अप्रैल के महीने में इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है. वीक है ये, एक सेलिब्रेट किया जाता है इसको. इस मर्तबा 2022 में 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट किया गया है. पहली मर्तबा 2003 में इसको सेलिब्रेट किया गया था. विच कंट्री रिपोर्टेड इट इज़ फर्स्ट कोविड केसेस ऑन 12th of May 2022. 12 मई 2022 को पहली मर्तबा नॉर्थ कोरिया में जो है केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के. सो नॉर्थ कोरिया इससे पहले इसमें एक केस भी सामने नहीं आया था और नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ पहली मर्तबा 12 मई को इसके केसेस सामने आए. और जो साउथ कोरिया है उसका कैपिटल सियोल है,
विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। सो यूएसए इसका करेक्ट आंसर है, यूएसए ने इसको टॉप किया है और इसके साथ साथ टॉप पर यूएसए है और दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। What is the theme of 2022 International Women's Day? इसका जो 2022 का थीम है वो है Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow। और आपसे एक ईजी सा क्वेश्चन है कि International Women Day कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच कंट्री मार्क डे ऑफ यूनिटी, ये मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। सो ये यूक्रेन ने 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी को सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड टू टेकल प्लास्टिक पोल्यूशन इन विच कंट्री। सो केनिया इसका करेक्ट आंसर है, हर दो साल बाद केनिया में ये जो है इजलास होता है और इस मरतबा ये पांचवा सेशन था जो कि केनिया में हुआ, नैरोबी में, नैरोबी इसका कैपिटल है। हु विल बी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल क्रेजियस्ट वुमेन अवार्ड 2022? सो रिजवाना हसन इसका करेक्ट आंसर है। Where will be the next G7 group of 7 summit be held in 2022? So ये जर्मनी में हो चुका है ग्रुप ऑफ 7 का इजलास। ग्रुप ऑफ 7 या G7 जिसे कहते हैं, पहली मरतबा इसका जो समिट हुआ था वो 1975 में हुआ था फ्रांस में, 46वां USA में हुआ है 2020 में, 47वां UK में हुआ है 2021 में, अब जो हो रहा है 2022 में ये जर्मनी में इसको होस्ट किया जा रहा है। हु रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? सो ये महिंदा राजापक्सा थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ये 21 नवंबर 2019 को PM बने थे श्रीलंका के और ये जो है 9 मई 2022 को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वहाँ क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसी वजह से। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद, ये 13 मई 2022 को इंतकाल कर गए, 1948 में पैदा हुए, ये मोहम्मद बिन जायद के हाफ ब्रदर थे और ये हेड ऑफ स्टेट बने थे 2004 में जब इनके वालिद इंतकाल कर गए थे। सो ये हेड ऑफ स्टेट बने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 74th नकबा डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑफ फलस्तीन? सो 15 मई 2022 को नकबा डे ऑब्जर्व किया जाता है इसराइल जो है, ये 14 मई 1948 को एक स्टेट बनी थी, रियासत बनी थी जिसको पाकिस्तान आज तक रिकॉग्नाइज नहीं करता। सो इसके अगले रोज़ 15 मई को फ़लस्तीन के जो लोग हैं इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नकबा डे ऑब्ज़र्व करेंगे। नकबा का मीनिंग होता है सानहा, वाक़या, हादसा या फिर तबाही। सो यही इसका मतलब है। वीडियो देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें। विच कंट्री वन 2022 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट? सो यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फिनलैंड इन मई 2022? सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। 14 मई को रशिया ने कट कर दिया था इलेक्ट्रिकल सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फार्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू सिमंड्स, ये रोड हादसे में 14 मई 2022 को इंतकाल कर गए हैं, 46 बरस की एज में ये एक क्रिकेटर थे। अल जजीरा की एक रिपोर्टर थी शरीन अबू अखले, ये इनको इसराइली आर्मी गन फायर ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में 11 मई 2022 को कत्ल कर दिया है और ये जो है अल जजीरा न्यूज़ चैनल है, कतर बेस्ड न्यूज़ चैनल, उनकी रिपोर्टर हुआ करती थी। सो हु इज़ द न्यू लीडर ऑफ हांगकांग? हांगकांग के जो नए लीडर हैं वो जॉन ली हैं, मई 2022 में ये बने हैं, इनसे पहले केरी लैम हुआ करते थे। व्हेन इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद UAE? सो 31 मई 2022 को इन्होंने फर्स्ट ट्रेड डील UAE और इसराइल ने किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022? सो लियोनेल मेसी जो है हाईएस्ट पेड एथलीट हैं, ये खिलाड़ी हैं और इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, फुटबॉलर हैं ये भी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? सो सिंथिया रोजनवेग इनका करेक्ट आंसर है, ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं और इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने 5 मई 2022 को वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से नवाजा है।
बफेलो शूटिंग 2022 का जो हादसा है, ये 14 मई 2022 को अमेरिका में पेश आया था। बफेलो एक सिटी है यूएसए में, और इसमें मास शूटिंग हुई जिसमें करीब 10 लोगों की हलाकतें हुई। विच कंट्री चेयर्ड द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? सो यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? सो महिंदा राजपक्सा के रेजिग्नेशन के बाद रानिल विक्रमे सिंघे ये वजीर आज़म बन गए हैं श्रीलंका के। 12 मई 2022 को 9 मई को महिंदा राजपक्सा ने रिज़ाइन कर दिया था। विच कंट्री टॉप्ड क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स? सो यूएसए ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक 104 है, बॉटम पर चार्ड है, और टॉपर जो है इसमें यूएसए है। इन विच यूएस स्टेट आर टीनेज गनमैन किल्ड 18 चिल्ड्रन इन मई 2022? एक बच्चे ने गन फायरिंग से 18 बच्चों को जो है मार दिया है टेक्सिस में। सो टेक्सिस जो है एक ऐसी रियासत है जहां आजकल ज़्यादातर हादसे पेश आ रहे हैं। टेक्सिस जो है अमेरिका की एक रियासत है, और 24 मई 2022 को यह सानिया पेश आया था। विच हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन 2022? सो सऊदी अरब को मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, और ये पेट्रो कंपनी है सऊदी अरब की, और इसने एप्पल को ओवरटेक किया है मई 2022 में। अरामको की बात करें तो उसको 1933 में इस्टेब्लिश किया गया था। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजिडेंट हैं वो एमैनुअल मैक्रोन हैं, जो 24 अप्रैल को बने थे, लेकिन एलिजाबेथ बोर्न जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो हैं सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस की तारीख में दूसरी ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। 16 मई 2022 को ये बनी है। इन्होंने जेन कास्टेक्स जो कि जुलाई 2020 में बने थे वज़ीर आज़म फ्रांस के, उनको रिप्लेस किया है। इसके साथ साथ एडिथ क्रिसन जो है फ्रांस की हिस्ट्री की पहली वज़ीर आज़म बनी थी 15 मई 1991 से लेकर 2 अप्रैल 1992 तक, लेकिन दूसरी जो है वो एलिजाबेथ बोर्न है। अब ये क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सो हम इस YouTube चैनल पर हफ्तावार यानी कि एक हफ्ते में दो वीडियोस, और माहाना भी पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं। आप बाकायदगी से हफ्ते में सिर्फ दो वीडियोस देखें, 10 से 12 मिनट 15 मिनट की वीडियोस होती हैं, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए YouTube पर टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल सर्च करें। इसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आपको पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट नहीं मिलेगी जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पर जो है लिंक भी मैंने दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए भी आप गूगल पर सिंपली testpoint.pk सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँगा, आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03082533000। इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें और हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना शुरू करें। दुआओं में याद रखें, मैंने भरपूर कोशिश की कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, बहुत मेहनत की है इस पर। इसको लाइक करें, शेयर करें। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।